मैं व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर रहा था और मुझे इस तरीके से पॉपअप शो हो गया और मैं वहाँ पे वीडियो कॉल नहीं कर पा रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऑडियो कॉल भी कर रहा हूँ वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके सामने विद प्रूफ यहाँ सही करके आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमेशा मैं आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप से बाहर निकल आना होगा। व्हाट्सएप से जैसे आप बाहर निकल आए उसके बाद आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है सीधा और यहाँ पे आपको डालना है व्हाट्सएप। चलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप। जैसे आप यहाँ व्हाट्सएप डालेंगे तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नज़र आएगा, तो इसे यहाँ से सबसे पहले अपडेट कर लीजिए, ठीक है? अगर अपडेट के लिए बोल रहा है यहाँ पे तो ठीक है, अपडेट ऑलरेडी है तो आपको यहाँ से बाहर निकलना है। उसके बाद आपको अपने व्हाट्सएप पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है। यहाँ एक आई बटन सा नज़र आएगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक नहीं करना है, क्लियर कैच कर देना है, केवल क्लियर कैच, और फोर्स स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद परमिशंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है, सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन नियर बाई डिवाइस छोड़ के सभी परमिशन अलाव हैं कि नहीं है। अलाव होंगी तो इस तरीके से शो हो जाएंगी ऊपर की तरफ अलाव, ठीक। और यहाँ पे आपको माइक्रोफोन वगैरह इस तरीके से अलाव दिख जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक। ये आपको सबसे पहले चेक करना है। और यहाँ पे मैं अब बताता हूँ, ये दो मैंने बता दिया है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ तीसरा काम क्या करना है। यहाँ पे आपको एरोप्लेन मोड या फ्लाइट मोड पे क्लिक करना है, एक बार फिर से आपको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये करने का, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फ़ोन का जो पावर बटन होता है उस पर आपको दबाना है और फ़ोन को एक बार यहाँ से रिबूट या रिस्टार्ट कीजिए। यहाँ से आपका डाटा आटा कुछ भी डिलीट नहीं होता है, ठीक। उसके बाद आपको मैं दिखाऊँगा आपकी प्रॉब्लम कैसे ठीक हो जाती है। देखो फिर भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप जो वीडियो कॉल कर रहे होंगे, जो वीडियो कॉल आप कर रहे हैं, ठीक है, ऑडियो कॉल कर रहे हैं, वो वाईफाई से कर रहे होंगे, अपनी वाईफाई कनेक्ट करके, या फिर आप मोबाइल डाटा से कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वाईफाई को हटाना है, वाईफाई को हटा के मोबाइल डाटा से कीजिए, हो जाएगा। अगर मोबाइल डाटा से कर रहे हैं तो वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए, उससे हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वाई नेटवर्क में एरर होता है तब ये प्रॉब्लम आती है, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम थी मैंने सही कर ली थी पहले ही, लेकिन ये मैंने आपके लिए केवल वीडियो बनाई है, आप अच्छे से समझ जाएं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एक नंबर है, ठीक है, जैसे कि इसी पर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखो मैंने यहाँ पर वीडियो कॉल पर क्लिक किया, तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो कॉल मेरा यहाँ जा रहा है, कोई दिक्कत मुझे नहीं आ रही है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं ऑडियो कॉल करूँगा तो ऑडियो कॉल भी हमारी यहाँ पे हो रही है, ये देख सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं आ रही है, ये देख सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। कैसी वीडियो लगी कमेंट पे हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद।